तो खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कल लाहौर आमद मुतवक्के है। इमरान खान गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। सानहे साहिवाल की मुतासरा फैमिली से मुलाकात का भी इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ साहिवाल के मकतूलिन के वरसा को घर बुलाकर भी किसी ने ना पूछा। सदर आरिफ अलवी और चेयरमैन सैनेट ने इस्लामाबाद बुलाकर मुलाकात तक न की। रिपोर्ट देखें। वज़ीरे आज़म इमरान खान की कल लाहौर आमद मुतवक्का। इमरान खान गवर्नर और वज़ीरे आला पंजाब से अलग अलग मुलाकात करेंगे। पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से इजलास में जायजा लिया जाएगा। वज़ीरे आज़म की सानहा साहिवाल की मुतासरा फैमिली से मुलाकात का भी इम्कान, लेकिन दूसरी तरफ सानहा साहिवाल के मकतूलीन के वर्सा को घर बुलाकर भी किसी ने ना पूछा। सदर आरिफ अलवी और चेयरमैन सैनेट ने मुलाकात ही न की। मकतूल खलील का भाई खलील हुकूमती रवैये पर फट पड़ा, कहा हुकूमत हमारी दाद रस्सी की बजाय हमें रसवा कर रही है। सारा दिन सड़कों पर खवार होते रहे मगर कोई ना मिला। इस्लामाबाद में जाके एक पंप था, उधर उन्होंने कहा आप वेट करें इधर। अब वो वेट करते करते पता नहीं कितने घंटे उधर जलील और बैठे रहे, ठीक है। तो वहाँ से पता चला कि वो सदर साहब कराची रवाना हो गए हैं, सैनेट साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मकतूलीन के वकील शहबाज बुखारी कहते हैं सीटीडी ने मासूम लोगों को शहीद किया, वुजरा खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान साहब कौम आपकी तरफ देख रही है, खुदारा मजलूमों को इंसाफ दें। खान साहब आप इस कौम के बड़े हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है। ये कौम आपके जो सपोर्टर्स हैं वो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस सानिया को इतनी आसानी से भूल जाएंगे। तो खान साहब आपको खुद इस पे कुछ करना पड़ेगा। सानहा साहिवाल के हवाले से पीटीआई हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है।